भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे छोटे पुत्र थे। रविंद्रनाथ ने कविता और साहित्यिक कृतियों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पर्दाफाश किया। वे चाहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष एक अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित न रहे, बल्कि व्यापक जन आंदोलन बने, और यही कारण है कि टैगोर ने अपनी अधिकांश रचनाएं बंगला में ही लिखी। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ ने स्वदेशी आंदोलन को सक्रिय नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें ब्रिटिश सामान के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की हिमायत की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोगों को एकजुट करने के लिए बांग्लार माटी बांग्लार जोल गीत लिखा था। उन्होंने आमार सोनार बांग्ला गीत भी लिखा, जिसे बाद में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। उन्होंने सामुदायिक एकता के लिए एक उत्सव की शुरुआत की, जिसमें बंगाल के विभाजन के विरोध में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के लेखक भी हैं, जिसे उन्होंने 1911 में कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में गाए जाने के लिए लिखा था। उन्हें 1913 में उनकी असाधारण रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय थे। 1915 में उन्हें ब्रिटिश शासन ने नाइटहुड उपाधि से भी सम्मानित किया था, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसे लौटा दिया था। वायसराय चेम्सफोर्ड को अपने अस्वीकृति पत्र में रविंद्रनाथ ने लिखा था, इस समय सम्मान के ये बैज हमारे लिए शर्मनाक हैं, और मैं अपनी ओर से सभी तथा कथित विशेष सम्मानों को अस्वीकार करते हुए अपने देशवासियों के पक्ष में खड़ा होना चाहता हूँ, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले अत्याचारों को भुगतने के लिए विवश हैं। भारत की राष्ट्रीयता और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए टैगोर के दृष्टिकोण का मूल जोर सामाजिक सुधार और समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने पर था। इसलिए शिक्षा में सुधार समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए उनके मिशन की आधारशिला बन गया। इसके लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ ने 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ने 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में अंतिम सांस ली और स्वतंत्रता सेनानी रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू को भी आज याद कर रहे हैं। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 1897 में आंध्र प्रदेश में भीमावरम के पास मोगल्लू नामक गांव में हुआ था। वो बंगाल के क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे। अल्लूरी को 1920 के दशक की शुरुआत में अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। मद्रास वन अधिनियम 1882 से आदिवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, इससे वे अपनी पारंपरिक कृषि गतिविधियां नहीं कर पाते थे। अल्लूरी ने दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी जिलों के जनजातीय लोगों को संगठित किया। 1922 और 1924 के बीच अल्लूरी और उनके साथियों ने कई थानों पर धावा बोला। अंग्रेज अंततः उन्हें पकड़ने में सफल रहे। बर्बर ब्रिटिश पुलिस ने 7 मई 1924 को उन्हें एक पेड़ से बांध दिया और गोली मार दी। लोगों ने उन्हें मान्यम वीरुडू यानी जंगलों का नायक की उपाधि से सम्मानित किया। 1986 में भारतीय डाक विभाग ने अल्लूरी सीताराम राजू के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। देश के इस वीर सपूत को नमन।